हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह हमारा सेंट्रल बैंक होता है और आर की से पहले हमारी कंट्री में कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं था आर कंट्रोल करता है हमारे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को आर के अंडर दो बैंक्स आते हैं शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स शेड्यूल बैंक्स उन्हें कहते हैं जो आर के सेकंड शेड्यूल के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं और नॉन शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो आर के सेकंड शेड्यूल के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होते शेड्यूल बैंक्स के अंडर भी दो बैंक्स आते हैं कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स कमर्शियल बैंक्स फर्दर डिवाइड होते हैं चार बैंक्स में पब्लिक बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स में फॉरेन बैंक्स में और रीजनल रूरल बैंक्स में आर आर बीज में और कोऑपरेटिव बैंक्स भी तीन तरीके के होते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स पब्लिक बैंक भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं तीन बैंक्स में एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक होता है नेशनलाइज बैंक और अदर्स आगे आने वाली वीडियो में हम इन सारे बैंक्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे आइए देखते हैं अब हम इन्हें डिस्क्राइब कैसे करें शेड्यूल बैंक्स शेड्यूल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ आर अंडर आर एक्ट नाइनटीन शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं ये इनकॉर्पोरेटेड होते हैं आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंडर शेड्यूल एक्ट 1934 इसके बाद आता है हमारा नॉन शेड्यूल बैंक्स नॉन शेड्यूल बैंक्स आर दो बैंक्स विच आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आर बी आई अंडर आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर नॉन शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर के अंडर इनकॉर्पोरेटेड नहीं होते इसके बाद आता है हमारे कमर्शियल बैंक्स These are the financial institutions which accept checkable deposits from the public and offer loans to people for the purpose of consumption and investment. Commercial banks हमारे एक financial institution होते हैं ये public से deposit accept करते हैं और उन deposits को loan use करके loan भी provide करते हैं जिन्हें public अपने consumption पर use करती है या public आगे investment पर अपने use करती है उन deposits को कमर्शियल बैंक्स के बाद आते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स अनदर इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज़ द कोऑपरेटिव सेक्टर बैंकिंग इट मेनली मीट्स द क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफ रूरल एरिया एंड एग्रीकल्चर इट इज़ क्लासीफाइड इंटू थ्री टाइप्स ऑफ बैंक्स स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक्स भी हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज़ में और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बेसिकली वीक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं और ये तीन तरीके के होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे बी बी एंड कॉमर्स क्लासेस पे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू